S'ils ne sont pas contents, ils retournent chez eux dans leur pays. S'ils ne sont pas contents de vivre en France, franchement, ils sont en France, ils foutent la merde. Là, je sais, mais c'est pas français. Oui, mais c'est je suis désolée de vous dire, c'est des enfants qui sont malheureusement. Ils n'étaient pas bien éduqués. J'ai pleuré même pour les parents, que ceux qui leurs enfants ont participé à casser, à brûler, vous voyez. Donc c'est vraiment triste. तो इंडिया से बड़ी मार्केट इस टाइम कोई नहीं है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं जिसमें वो सक्सेसफुल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। भूत होगा, उसको गोली चलाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। सो कमजोर मईशतें जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, लेकिन वो फिर वहाँ पे जो है वो कहते हैं अपने आप को मुसल्लत करने की भी कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक मुसलमानों के अंदर थाट ये भी है कि हमें मगरब के अंदर एक मेजोरिटी लेके आनी है ताकि हम वहाँ पे अपनी हुकूमतें बना सकें। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूरोप इस आग की लपेट में आने वाला है, पूरा यूरोप चलने वाला है जो फ्रांस में हो रहा है। अगर आप उससे नाबल्द हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं, तो जान लीजिए कि यह बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका अक्सर फायदा और दुश्मन उठाता है। अरबी दुनिया कहने में मजबूर हो जाए कि जो मुसलमान है जिनको 90 की दहाई से फंडामेंटल से शुरू होकर टेररिज्म पे लेके खत्म किया हमने, वो है इस किस्म के। सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। और वो इंडिया के हुक्मरान जिनको आप कसाई कहें, जो मर्जी कहें, दहशतगर्द कहें, इंतहा पसंद कहें, गुजरात का कसाई कहें, चाय वाला बोलें, जितनी मर्जी तस्दीक करें, लेकिन अपने मुल्क के लिए उनके फैसले ऐसे हैं कि उनके सुपर पावर उनके साथ क्यों मजबूर है डील्स करने के लिए। जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो हालात और वाकयात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। मैं तो इसको सियासी कारनामे ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ताल्लुकात बना रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ लगता है, इंडिया भारत पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उनकी इतनी तफीक नहीं है कि वो पाकिस्तान आ सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। फ्रांस के अंदर लगातार हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच फ्रांस के जो नौकर लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, वो दंगाइयों को मुकाबला कर रहे हैं और उनको जो है ना फ्रांस छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा जो कि इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वो वहाँ की जो व्यवस्थाएँ होते हैं, वहाँ के जो नियम कायदे कानून होते हैं, उनको बदल कर अपनी व्यवस्थाएँ वहाँ पर थोपना क्यों शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीडन फ्रांस में जिस तरह के हालात हैं, और अक्सर हमें देखते हैं को कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल जाती है, तो एक फंडामेंटली जेन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, वो माइग्रेट कर रही है फर्स्ट वर्ल्ड में, और इसको जो फर्स्ट वर्ड है वो इसको कहती है सोसाइटियल सिक्योरिटी, कि बड़े उनके सोसाइटियल कंसर्न है कि ये लोग जो हैं जिनके डिफरेंट कल्चर थे, रिलीजन थे, एथनिसिटी थी, डिफरेंट एक माहौल से निकले और एक नए माहौल को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ पे जो है वो कहते हैं अपने आप को मुसल्लत करने की भी कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुसलमानों के अंदर थाट ये भी है कि हमें मगरब के अंदर एक मेजॉरिटी लेके आनी है ताकि हम वहाँ पर अपनी हुकूमतें बना सकें, हम जो है वो क्रिश्चियनिटी को या जो नॉन मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको हम मुस्लिम बना सकें। ये भी एक कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर ये एक क्वेश्चन है। आपसे आज मैं बात करना चाह रहा था कि मुसलमानों को मगरब में कैसे रहना चाहिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ भी जाते हैं, सिख भी रहते हैं, कोई लार्जली किसी से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा कोई ना कोई मसला रहता है। फ्रांस में 10% मुसलमान हैं देख रहा हूँ, अभी देखें एक एक्सट्रीम किस्म का बिहेवियर स्वीडन में आया कि जिस शख्स ने कुरान पाक को जला दिया, इतनी बड़ी बेहुरमती की, इवन के पोप जो हैं उन्होंने भी बयान दिया है वेटिकन सिटी से कि ये बहुत जहालत है और किसी की जो मजहबी जो कुतुब होती हैं उनको इस तरह जलाना ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। आप सर इसको कैसे देखते हैं कि मसलन एक जो है वो सफ़ेद फाम आदमी ये कहे कि मैं जा रहा हूँ जी पाकिस्तान में जॉब करने के लिए, वहाँ मैं किसी ज़रात में या किसी जगह पे जॉब करूँगा, लेकिन साथ में मेरा एजेंडा ये है कि मैं ये पाकिस्तान के जो इस्लामी कानून हैं और ये जो कंजर्वेटिविज्म है सोसाइटी में, इसको भी चैलेंज करूँगा। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके जा रहा हूँ जो वहाँ पे स्कर्ट पहन के घूमेगी वहाँ की सड़कों पे, और मेरी वाइफ जो है वो नीम बराना हालत में जो है वो बीचों पर फिरेगी, चूँकि ये हमारा है कल्चर है और इनको कोई हक नहीं पहुँचता कि ये हमें ऐसा करने से रोक सकें। तो क्या वो पाकिस्तान में ऐसा करने का हक रखता है, पहली बात ये है, और अगर रखता है तो क्या लोग उसको ये हक एक्सरसाइज करने देंगे। आप लोग थोड़ा सा होश का नाखन लें कि आप हैं कौन, कि आप लोगों के जहन में ये आ गया है कि हम कोई चोजन किस्म की बरगजीदा और दुनिया की सुपीरियर तरीन मखलूक हैं और हमारी कोई ऐसी वैल्यूज हैं
जो हम जिस पे चाहे जाके थोप दें और जाएं भी भिखारी बन के कश्तियों पे डुबकियां लगा के जिंदगी और मौत के जो है वो कुएं से गुजर के, लेकिन जाके उनको गिराना है और उनको ये बावर कराना है कि आपकी वैल्यूज जो है वो गार्बेज हैं और हमारे आते ही आप इनको गार्बेज में फेंक दें। ये जो ये जिसको मिलिटेंसी कहते हैं, ये तसव्वुर होता है जहाँ पे आपके जहन में ये होता है कि आपने दूसरे शख्स को या दूसरी सोसाइटी को सुधारना है और बंदूक के जोर पे उसको जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाना है। इसमें आप इस हद तक चले जाएं कि आपकी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो स्वीडन में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगा दी। भाई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि मैं इस वाक्य की मजम्मत करता हूँ, ये गलत वाक्य है, नहीं होना चाहिए, किसी जरूरत में नहीं होना चाहिए, तो आप ये मुतालबा नहीं कर सकते उम्मत मुसलमान को बुला के या वो आपकी जो एसोसिएशन हैं और ये कि जी आप जो है वो इस पे पाबंदी लगा दें। स्वीडन के एक शहरी के बारे में आप सऊदी अरबिया या पाकिस्तान या इराक में बैठ के नहीं तय कर सकते कि उसके फंडामेंटल राइट्स की हदूद क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जो आप तय करना चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में हमारी जो बाज़ जालते हैं और हमारी जो बाज़ अनसिविलाइज किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस के तौर पे दुनिया पे जो है इम्पोज करना चाहते हैं। दैट इज द एसेंस मैं समझता हूँ ये सारा बड़ा है क्यों, चूंकि आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप स्वीडन में ये कानून बनाएं जी कि अगर किसी भी मुकद्दस किताब को जो है वो कोई इंसल्ट करता है तो उसकी ये सजा होनी चाहिए। ये कानून साजी का आप मुतालबा कर सकते हैं, ये आपका राइट है दुनिया के किसी मुल्क में, जरूरी नहीं कि आपके उस मुतालबे पे अमल हो, लेकिन आप उनको एक ब्लू प्रिंट दें कि जी ये जो है कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो हु द हेल यू आर टू डिसाइड कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये तो स्वीडिश सोसाइटी की अपना काल है और उसकी अपनी जो है वो अथॉरिटी है कि वो तय करे कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती है और क्या नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये जो बात मैंने की इसमें अगर कोई रब्त है या इसे रब्त से देखा जाए तो असल मसला ये खुल के सामने आता है कि हैंडफुल ऑफ एक बंच ऑफ पीपल, एक ग्रुप, स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है मुसलमानों में भी और वेस्ट में भी ऐसे मौजूद हैं जिनको इंसानियत के साथ, इंसानियत की फलाह बहबूद के साथ, तामीर और तरक्की के साथ, अमन और भाईचारे के साथ, गुरबत के खिलाफ, इंसानी दुखों और दर्दों के खिलाफ प्रॉब्लम नहीं, उनका जहनी प्रॉब्लम है। वो अपने आप को कोई जो है अल्लाह के सोल्जर समझते हैं और वो समझते हैं जिस धरती पे वो कदम रखेंगे उस धरती को उनके खौफ से कांपना चाहिए और उनके अहकाम पे अमल करना चाहिए, वरना हड़ताल कर देंगे या दुकान जला देंगे। भाई आप इतने ही स्मार्ट हैं तो पहले अपने घरों में जाके हड़तालें करें ना। ये जो IMF के आगे जो है कशकोल लेके तीन तीन साल तक आपके हुक्मरान लाइन में लग के लेटते हैं तो आपको कोई गैरत नहीं आती, को तोहीन नजर नहीं आती किसी चीज में। ये जो आप लोगों की गुर्बत है, बदहाली है, बदसलीका, जो जिंदगी के ये जो नामवारियां हैं, ये जो तशद्दद है, ये जो गैर यकीनीपन है, ये जो मायूसी है, इस पे आपको कुछ नजर नहीं आता अपने मुल्कों में हड़ताल करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो आपको दूसरे मुल्क में एक शहरी जो है वो उसके हुकूक पे नजर है कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी लिमिट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। आप मुतालबा करें, इसकी मजम्मत करें। मजम्मत स्वीडन ने ऑलरेडी कर दी। ये फ्रांस में जो उछल कूद है किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं, अब जरा इसकी जस्टिफिकेशन तो बताएं ना। पहली बात यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रांस की सोसाइटी में। 200 साल पहले इनकलाब जिन लोगों ने वहां पे बर्पा किया, मारे खाई और हजारों की तादाद में कत्ल हुए, कुर्बानियां दी, तो उन्होंने अपनी वैल्यूज को डिवेलप किया। तो आप आके उनको हुक्म दें कि नहीं वैल्यूज ये नहीं, ये होती है, ये तो ऐसे ही है जैसे कहें जाके पाकिस्तान में ये नजरिया पाकिस्तान और ये इस्लामिज्म को डिसमेंटल करो, हटाओ और यहाँ पे एक सेकुलर सोसाइटी लगाओ। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने, ये कहे फ्रांसीसी एम्बेसिडर वहां जाके, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें होश के नाखन लेने की बात है, असल मसला ये है और ये देखने की बात है कि इसके पीछे जो माइक्रोस्कोपिक किस्म के ग्रुप छुपे हुए हैं वो बुनियादी तौर पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट या कहीं भी जो और दूसरे मजाब के इस तरह के एक्सट्रीमिज्म का शिकार लोग हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक चंद एक पीपल जो है, ये उनका एजेंडा है जिसके आगे पूरी जी उम्मत मुसलमान लग गई, पूरा जी क्रिश्चियनिटी लग गई, पूरी मगरबी तहजीब लग गई, ये जी OIC का इजलास बुला रहे हैं। भाई होश का नाखन लो, अपने गरीबा में झांको, पहले देखो तो सही खड़े कहाँ पे हो, तो क्या बुला रहे हैं। तो फिर ये भी अगर बुला देते हैं तमाम जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज का एक
इजलास और उसमें तय कर देते हैं कि आज के बाद वही करते हैं हम जो ट्रंप ने किया था, तो फिर क्या करेंगे आप। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के एक पत्रकार है कमर चीमा, आप बहुत सी बार उनकी वीडियो को देखते हो, तो वो इस बार जो चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल पर अपनी वीडियो में, तो शुरुआत में ही उन्होंने एक सवाल किया वो, और उन्होंने सवाल बिल्कुल वाजिब किया कि जो मुसलमान हैं जो अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश के अंदर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनको अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है, रोज़गार मिलता है और सब कुछ करते हैं वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे ये लोग जो है ना वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले की जो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसके जो नियम कायदे कानून हैं, उसको बदलना शुरू कर देते हैं। ये एक कमी बताई है उन्होंने कि अगर आप अपने मुल्क को, अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जा रहे हैं तो फिर वहाँ जाकर आप अपनी जो आपके जो भी आप जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पर जो भी आपके नियम कानून कायदे कानून जो भी थे उनको आपको छोड़ना पड़ता है, वहाँ की जो जैसी सोसाइटी है उसके हिसाब से फिर आपको रहना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पर रहने के लिए गए हो, वो आपके यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सही सवाल इस वीडियो के अंदर उठाया गया। उसके बाद किस प्रकार से वीडियो में चर्चा हुई, कितना अच्छा जवाब उन्होंने इसको लेकर दिया है कि जो OIC है उसको भी जो है ना यहाँ पर एक आईना दिखाया है कि भैया पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो, उसके बाद में आप जो है ना दूसरे देशों के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, क्या होने चाहिए, वो डिसाइड करने का जो अधिकार है वो OIC को नहीं है, वो खुद पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।